नमस्कार, जय गो माता। मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल गो भारत पर, और मैं आपका साथी भवानी सिंह। और आज जो सुबह का दूध है, जो गायों का हमने घर पे ही रख लिया है, क्यों अभी लॉकडाउन की वजह से दूध का कोई ज्यादा भाव नहीं मिल रहा है हमें। 22-23 रुपए के लगभग भाव मिल रहा, तो घाटे में जा रहे हैं। तो आज सुबह के दूध का मावा बनाएंगे घर के लिए। अभी घर पे है सभी, तो मावा खाएंगे। तो अभी ये लगभग 18-19 लीटर दूध है, हमने घर की जरूरत के अलावा जो बच्चा हुआ दूध है वो हमने इसका मावा बनाएंगे। और ये मेरे पास जो कढ़ाई है, ये मोटे लोहे की कढ़ाई है। इसका जरूर ध्यान रखें आप, पतली कढ़ाई में बनाएंगे तो मावा चिपकने का डर रहता है, तो फिर वो नीचे लग जाएगा, तो फिर उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं बैठेगा। तो ये मोटे लोहे की और बहुत भारी कढ़ाई है, तो ये कढ़ाई है, लेकिन कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ रही है दूध के हिसाब से, तो इसको हम दो बार करके बनाएंगे। तो ये देख सकते हैं कढ़ाई। तो अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें जो देसी घी है वो उस कढ़ाई के चौपड़ दूंगा, थोड़ा सा, ज्यादा आपको नहीं, थोड़ा सा चौपड़ ले और कुछ बूंदे, बस थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि जो दूध की लगने की और चिपकने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह चौपड़ ले ऐसे पूरी कढ़ाई में, तो ये आपके अच्छा रहेगा। फिर हम इसमें दूध डालेंगे। तो मित्रों, अभी जो मैंने ये दूध है वो एक ड्रम का है, वो छान के ले लिया कढ़ाई में। तो ये जरूर ध्यान रखें कि दूध को छान ले, क्योंकि इसमें कोई अगर अशुद्धि हो तो वो सन्ने में रह जाएगी, तो उस वजह से। अब हम भट्टी स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इस दूध को हम एक बार जब फुल ये उबाल में आ जाए उसके बाद में आप आँच थोड़ी धीमी कर दीजिए, मीडियम आँच पे रखिए, और इसको कंटिन्यू चलाते रहना पड़ेगा। इसमें लगभग अभी एक घंटा लग जाएगा हमें मावा बनाने में। तो चलिए मावा बनाते हैं। तो मित्रों, अभी देखिए ये दूध जो एकदम बढ़िया उबाल आ गया है, एकदम अच्छा बॉईल हो रहा है। तो कुछ लोग तो क्या करते हैं कि जैसे इसको दूध को जैसे गर्म करते जाते हैं और जब तक कि वो एकदम गाढ़ा नहीं हो जाता है वैसे बनाता है, लेकिन वैसे जो मावा बनता है वो थोड़ा लसलसा टाइप का बनता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये देखिए जो फिटकरी है, सफ़ेद फिटकरी है, तो 10 किलो दूध में लगभग 5-10 ग्राम फिटकरी आप डाल सकते हैं। सफ़ेद फिटकरी डालने से क्या है कि इसका रंग नहीं बदलेगा। आपके पास अगर सफ़ेद फिटकरी नहीं है तो लाल फिटकरी भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा हल्का सा कलर चेंज हो जाता है। तो हमें क्या है, 10 किलो दूध में से ये थोड़ी सी इतनी सी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है। ये आप देख ले, इतनी सी डाल रहा हूँ मैं, इतनी सी डाल ले, ये दूध को फाड़ देगी और आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है। चलाने से क्या है कि ये नीचे चिपकेगा नहीं, और आप देख रहे हैं जैसे साइडों में जैसे इधर चिपक रहा है, तो आप ऐसे से, इसलिए मैं दूसरा पलटा लेके ये जो इसको साफ कर देता हूँ, क्योंकि ये चिपकना नहीं चाहिए ऐसे। तो अभी हम इसको काफ़ी देर, और हमने आँच भी लगभग मीडियम कर दी, मीडियम से थोड़ा कम ही, अब धीरे धीरे इस आँच पे इसको हम चलाते रहेंगे। और फिटकरी डालने से क्या है कि इसकी मावे की जो सॉलिडिटी है, एकदम जो रवा पड़ना है उसका जो रवा अच्छा पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, धीरे धीरे चलाते हैं। तो मित्रों देखिए, अभी जो मावा बनना लगभग शुरू हो गया, देखिए ये रवे पड़ने चालू हो गए, इसमें रवे पड़ रहे हैं, और मैंने आँच भी काफ़ी कम कर दी है। और इस समय चलाते रहना बहुत ज़रूरी है,
पलटे से, क्योंकि नीचे चिपकने का डर रहता है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। देखिए हमारे कढ़ाई में कितना दूध था और अब कितना हो गया है, एकदम ये बढ़िया रवे पड़ने चालू हो गए। तो अभी बहुत ज़रूरी है, इसमें हम कंटिन्यू चलाते रहे और आँच बिल्कुल कम कर दें। तो मित्रों देखिए हमारा मावा लगभग देखिए तैयार हो चुका है, बहुत ही बढ़िया रवा पड़ा है। और हालांकि जैसे मिठाई की दुकानों से जो आप मावा लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, तो वहाँ लगभग 5 किलो में दूध में 1 किलो शक्कर डालते हैं, क्योंकि उनको वेट पकड़ाना है, वो टोल के हिसाब से बेचते हैं, तो उस वजह से। लेकिन हमें क्या ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, तो ये मैं सिर्फ 1/2 किलो शक्कर डाल रहा हूँ। आप चाहे तो देसी शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं नॉर्मल शक्कर ही डाल रहा हूँ जो अपन चाय बनाने में काम में लेते हैं। तो ये 1/2 किलो शक्कर डाल देता हूँ और फिर मैंने 100 ग्राम शक्कर अलग रख कर किया, थोड़ा टेस्ट करूँगा, अगर कम मीठा होगा तो डाल दूँगा, नहीं तो नहीं डालूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद है नहीं और परिवार में भी किसी को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। तो अभी क्या है कि हमें कंटिन्यू इसको चलाते रहना, क्योंकि शक्कर भी पानी छोड़ेगी, तो पानी बिल्कुल पूरी तरह सुखाना है। और अभी मैंने आँच बिल्कुल ही आप देखें फ्लेम नीचे बिल्कुल ही कम कर रखी है, क्योंकि ज़्यादा तेज रखेंगे तो ये चिपक जाएगा, तो इसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा, तो स्मेल आनी शुरू हो जाएगी इसमें। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें और कंटिन्यू चलाते रहें। थोड़ा है बहुत मेहनत का काम, लेकिन बाद में आपको मेहनत का फल मिलेगा, अच्छे टेस्ट का मावा मिलेगा। तो मित्रों देखिए अब जैसे हमारा मावा बन के पूरा एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, बिल्कुल मंद मंद आँच पे, मेरे को लगभग ये 1.5 घंटे से ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि ये कोई इंस्टेंट रेसिपी तो है नहीं जो आप 5 मिनट में मैगी की तरह तैयार कर लो। अगर अच्छी चीज़ आपको प्योर चीज़ चाहिए तो वो तो उसमें तो समय लगेगा। और हाँ मित्रों मैं स्पष्ट कर दूँ, जो बाज़ार में हम मिठाई की दुकानों से जब लाते हैं जिसमें केमिकल और पता नहीं क्या क्या मिला के उसको एकदम वाइट बताया जाता है, ये देखिए जो असली मावा है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा जैसे ब्राउनिश कलर का होगा ही होगा, क्योंकि ये तो एक लोहे की कढ़ाई है और दूसरा ये है कि इसमें मन मन आज कल अच्छी तरह से सीखेगा। अब ये देखिए घी छोड़ने लग गया है और मतलब एकदम इसमें पानी की बिल्कुल मात्रा भी नहीं बची, तो ये मावा है। तो आप चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं और आप चाहे तो रूम टेम्परेचर भी रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर अभी गर्मी का मौसम है तो लगभग 2-3 दिन तक फ्रेश रहेगा और फ्रिज में लगभग हफ्ते भर चल जाएगा, तो आप फ्रिज में रख दीजिए। और नीचे उतारने के बाद मैं इस परात में ले लूँगा मावे को, और जो मैंने इलायची कूट रखी है तो इलायची बाद में थोड़ा हल्का सा ठंडा होने पर मिक्स कर दूँगा, आप चाहें तो केसर भी मिक्स कर सकते हैं बाद में, लेकिन हल्का सा ठंडा होने के बाद, अभी ज़्यादा गर्म है तो अभी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो मित्रों कैसा लगा आज मेरी मावा बनाने की जो देसी विधि है, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।